हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद काफिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू पत्ता गोभी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, और बहुत ज़्यादा चटपटी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है और खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है लाइक कर दें। यहाँ पर देखिए, मैंने जो है पत्ता गोभी काट कर ले ली है। इसको मैंने ऐसे ही लंबी लंबी शेप में कट कर लिया है। तो ये जो है बहुत आसानी से कट के तैयार हो जाती है सब्ज़ी, बहुत मेहनत नहीं लगती इसको काटने में, आसानी से ही कट जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको काट कर ही बताऊंगी। ये मैंने एक पत्ता गोभी का पीस ले लिया है, एक में से मैंने दो कर लिया था, और इसको जो है मैं यहाँ पर आपको काट के बता रही हूँ। देख कितनी आसानी से ये कट जाती है, बिल्कुल आराम से, बहुत ज़्यादा ईजी सब्जी है ये काटने में। तो यहाँ पर इसको हम सारी गोभी को काट लेंगे, जितने आपने ली है सबको अच्छे से काट लें, और इसको चाहे तो काटने से पहले धो लें या बाद में इसको धो सकते हैं आप। तो इसमें जो है कीड़ा वगैरह भी निकल आता है, तो थोड़ा इसको देख के काटें। फिर देखिए, मैंने इसको अच्छे से काट लिया है। पीछे का मोटा डस्सा डंठल बचा है, इसको मैं निकाल के अलग रख लूंगी, इसको नहीं काटना। सारी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी काट ली है, मैंने पहले ही गोभी को धो लिया था काटने से पहले। अब मैं इसको जो है फ्राई कर लूंगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक भगोना, इसमें डाल दूंगी एक चम्मच तेल, बस एक चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। फिर मैं इसमें डाल लूँ थोड़े से जीरे के दाने, और इसको जो है अच्छे से ब्राउन कर लूंगी जीरे को। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी। तो गोभी को जो है फ्राई करना है हमें, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्राई होके बहुत अच्छा टेस्ट आता है गोभी का, तो इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये थोड़ी सी मुरझा नहीं जाती, और इसकी क्वांटिटी जो है आधी नहीं हो जाती जब तक इसको फ्राई करें अच्छे से। और अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है तो इसको आप हाई आँच पर ही फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपके पास सिल्वर के या कोई और सा यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो है मीडियम आँच पर या हल्की आँच पर फ्राई करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है नीचे से जलने लगती है, उससे इसका टेस्ट खराब हो जाता है। इसलिए इसको जो है मीडियम आँच पर ही फ्राई करें अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है, लेकिन मैं इसमें ही बना रही हूँ, तो इसलिए इसको हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ। अब देखिए इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा मुरझा गई है, कम भी रह गई है। तो ये गोभी अच्छे से फ्राई हो गई है, मैं इसको निकाल दूंगी, एक प्लेट में निकाल लेना है। फिर मैंने दोबारा से इसमें तेल डाल दिया है 2 बड़े चम्मच, और इसमें जीरा डाला है मैंने, एक चम्मच जीरा तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं मैं जो है 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून, और इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट को डालने के बाद जो है इसको कुछ देर फ्राई कर लेना है ऐसे ही, क्योंकि इसको फ्राई करने से जो है इसकी स्मेल भी निकल जाएगी, सब्जी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी पाउडर वाले मसाले, 1 चम्मच मैं ऐड करूँ धनिया पाउडर, वो 1/4 ये ऐड करूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच के करीब मैं ऐड करूंगी इसमें लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची जो है आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने तीनों मसाले ऐड कर दिए हैं, इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लूंगी मसालों को डाल के। इससे जो है मसालों का कच्चापन भी निकल जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, उनको अच्छे से भून लूंगी। खाली मसालों को पहले हमें ऐसे ही भून लेना है, बहुत अच्छे से भून जाएंगे ये ऐसे ही। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच नमक, स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दें, और इसको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़े साइज का टमाटर ले लिया, अगर आपके पास छोटे साइज का टमाटर है तो आप 2 भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास काफी बड़ा साइज का था तो मैं इसमें 1 ही यूज कर रही हूँ टमाटर को। अब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको कुछ देर भून लेना है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है 7 से 8 हरी मिर्ची, इनको मैंने चॉपर में चॉप्ड कर लिया है, अगर आप चाहें तो हाथ से कट करके भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है, इसको जब तक भून लेना है जब तक मसाला जो है अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता और अच्छे से इसका एक टेक्सचर नहीं हो जाता। तो ये टमाटर को भी हमें बिल्कुल अच्छे से गलाना है इसमें। फिर देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू, 2 मीडियम साइज के मैंने आलू इसमें कट करके ऐड कर रही हूँ, और इनको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और मसाले को बहुत अच्छे से यहाँ पर भून लेना है। साथ ही इसके आलू हम भूनेंगे तो आलू में भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और आलू भी खाने में बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने मसाले के साथ इसको भून लेना है। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी, तो जो गोभी मैंने तल के रख रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए कितनी सी क्वांटिटी बची है गोभी के तलने के बाद। इसको बहुत अच्छे से ऐसे ही फ्राई करना है जब ये अच्छे से फ्राई हो पाती है। अब इसको डाल के भी यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और कुछ देर जो है गोभी को इस तरीके से ही मिक्स कर लेना है, और इसको जो है ऐसे ही हल्की आंच पे पका लेना है या फिर आंच को जो है मीडियम कर दें। फिर साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, तो पानी जो है बहुत थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, तकरीबन 1/2 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पानी में बस इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये नीचे से जले ना और थोड़े से अच्छे से पक जाए, वरना पानी का इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फिर पानी को डाल के भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर पका लेना है, जब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल रिलीज नहीं हो जाता और आलू और गोभी जो है अच्छे से गल नहीं जाती। जब गोभी जो है गल जाएगी तो और मुरझाई हुई सी हो जाएगी और अच्छे से पकी हुई आपको दिखेगी। और अभी आप देख सकते हैं इसमें जो है अभी पानी भी है, तो मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूंगी ढक्कन, तो ढक्कन लगा कर इसको कुछ देर पकाएंगे तो ये भाप में बहुत अच्छे से पक जाएगी और गल भी जाएगी। तो तकरीबन इसको 10 मिनट ऐसे ही पका लेना है
और बीच बीच में चेक करना है पानी खुशक तो नहीं हो गया, अगर खुशक हो जाए तो थोड़ा सा ऐड करके इसको पका लें, क्योंकि फिर नीचे से जलने का डर रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको चेक करा है 10 मिनट बाद, और ये देखिए कितने अच्छे से पक गई है, पानी भी पूरा खुशक हो गया है और ऑयल भी बहुत अच्छे से इनने सारा रिलीज कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको एक आलू दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर ये गल गया है। तो मैंने ये आलू लिया है और इसको मैं आपको छुरी से कट करके यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये गल चुका है, और आप यहाँ पर गोभी भी देख चुके हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर ये पक चुकी है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया, धनिया से जो है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए धनिया ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा लगता भी है देखने में और खाने में बहुत अच्छा लगता है ये। अब धनिया को ऐड करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लें, और धनिया जो है आपको सबसे लास्ट में ऐड करना है, धनिया डाल के फिर इसको ज़्यादा नहीं पकाना, तो इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए रेडी हो चुकी है हमारी गोभी की सब्जी, बहुत ही टेस्टी लग रही है खाने में, और आप इसका कलर देख के ही आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये मज़े की होगी, बहुत ही चटपटी बन के तैयार हुई है। तो आप भी गोभी लाएं तो एक बार इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें, और फिर मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, या आपके यहाँ किस किस को ये रेसिपी पसंद आई है और किस किस की ये रेसिपी फेवरेट है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।